अभी ऑनलाइन है ना। चलो ठीक है, कुछ नहीं, कुछ मिस आउट नहीं हुआ है आप लोगों का, टेंशन मतलब हम लोग रिवाइज ही कर रहे थे, जो भी प्रीवियस का पार्ट था वो रिवाइज ही किया है मैंने, तो टेंशन मतलब इसके बाद नहीं होगा। प्रोफेशन, प्रोफेशन जो है कि अगेन इट्स अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसमें हमें पैसा मिलता है, राइट। जो आज फर्स्ट टाइम है लेक्चर्स में उनके लिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, फटाफट से 5 मिनट में रिवाइज कर लेते पूरा पार्ट। प्रोफेशन में हमें फीस मिलते हैं, या फिर अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं प्रोफेशनल तो भी वहां से हमें सैलरीज वगैरह मिलती है, तो अगेन इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एग्जाम्पल्स भी दिए देखो यहाँ पे प्रोफेशन के, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। फीचर्स क्या है प्रोफेशन के? एम, अगेन अर्निंग मनी, बट इसमें सिर्फ अर्निंग मनी ये नहीं रखना है ध्यान में, ये भी रखना है कि रेंडर सर्विसेज टू क्लाइंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एम होता है प्रोफेशन का। सिर्फ अर्निंग मनी अगर इतना देखोगे तो नहीं जमेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन, एवरी प्रोफेशनल एज रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डिजाइन बाय इट्स इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट के तरफ से वो जो क्वालिफिकेशन बोला जाता है वो क्वालिफिकेशन हमने लेना चाहिए, हमें आना चाहिए, होना चाहिए हमारा। देन फाइनेंशियल रिटर्न्स, फाइनेंशियल रिटर्न्स में देखो प्रोफेशनल के लिए फाइनेंशियल रिटर्न्स मतलब उसके लिए होता है फीस, फाइनेंशियल रिटर्न। बिजनेस के लिए क्या होता है? प्रॉफिट, कैपिटल। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोफेशनल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे बिजनेस के लिए भी कैपिटल लगता है, जैसे बिजनेस के लिए भी कैपिटल लगता है, वैसे प्रोफेशन के लिए अगर हम लोग इंडिपेंडेंटली अगर हमारा प्रोफेशन प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशन के हमारे प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ज्यादा ह्यूज कैपिटल, वी रिक्वायर ह्यूज कैपिटल फॉर दैट। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप प्रोफेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो बाकी इसमें बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो भी टाइप्स है उसमें नहीं दिखेगा आपको। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप प्रोफेशन, एवरी प्रोफेशन हैव अ काउंसिल, उसका एक इंस्टीट्यूट होता है, उनका एक काउंसिल होता है जहां से उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जहां से उनको सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिस का, ठीक है। जैसे सीए बनने के बाद आपको आईसीएआई की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, वैसे ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर बनने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। लॉयर्स बनने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे दैट टाइम यू विल गेट फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ से आपको मिलने वाला है। सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उनके तरफ से इंस्टीट्यूट से काउंसिल से हमें कोड ऑफ कंडक्ट भी मिलता है, मतलब इथिकल। आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, रौनक। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स टू बिहेव, कैसे आपको प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बिहेव करना है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, एथिक्स, एटिक्वेट्स जो बोलते हैं हम लोग वो। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोफेशन में, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, कि हम हमारा प्रोफेशन किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिया देखो उन्होंने यहाँ पे, अ डॉक्टर कैन नॉट, डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड मेडिकल एजुकेशन। जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया है उनको हम लोग नहीं दे सकते हमारी डिग्री। नेचर ऑफ वर्क, अब बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट था, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क क्या है? नेचर ऑफ वर्क मतलब आपको यहाँ पे सर्विसेज देनी है, ये बात ध्यान में रखना है। नेचर ऑफ वर्क मतलब आपको यहाँ पे सर्विस। तुषार, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जैसे समझ लो रूल्स, बिहेवियरल रूल्स, ऐसा समझ लो कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, इससे रिलेटेड ये रूल्स होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे प्रैक्टिस करोगे इससे रिलेटेड ये रूल्स होते हैं, ठीक है। तुषार क्लियर है बेटा? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी कि हम हमारा प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेचर ऑफ वर्क, यहाँ पे आपको सर्विसेज देनी है नेचर ऑफ वर्क में, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में इतना याद रखना है वर्क फॉर अदर्स, बस। प्रोफेशन में हमने क्या किया कि हम लोग हमारे लिए काम करते, प्रैक्टिस, हम हमारे एजुकेशन जो भी हमने नॉलेज लिया, डिग्री ली, वो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो हो गया प्रोफेशन। बिजनेस मतलब हम हमारा बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना, ये करना, तो वो हो गया बिजनेस एक्टिविटी। प्रॉफिट रिटर्न से वहां पे प्रोफेशन में हमारे लिए मॉनिटरी रिटर्न्स क्या है? फीस। तो एम्प्लॉयमेंट में
वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करना, तो वहां से हमें क्या मिलने वाला है फिर? सैलरी, ये मॉनिटरी रिटर्न्स रहेगा, है ना। और बेसिकली जैसे बिजनेस में बायर एंड सेलर एक रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन में प्रोफेशनल एंड क्लाइंट ऐसा रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ये रिलेशनशिप रहेगा। एम्प्लॉयर मतलब कौन? हु ऑफर्स द जॉब, एंड एम्प्लॉय मतलब हु एक्सेप्ट द जॉब। क्लियर है? फीचर्स क्या है एम्प्लॉयमेंट के? अगेन एम क्या है? अर्न मनी, पैसा कमाना, ऑब्वियसली नो डाउट। इसमें सिर्फ हम लोग हमारे एम्प्लॉयर्स के ऑर्डर्स को, उसके जो भी दिए गए इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करेंगे और पैसा कमाएंगे, नो डाउट। देन नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, हर एक एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। स्किल्ड भी एम्प्लॉयमेंट है, अनस्किल्ड भी एम्प्लॉयमेंट है, मतलब बहुत जो बोलते हैं ना हम लोग, रॉ रॉ काम करने वाले के लिए कोई स्किल्स वगैरह की जरूरत नहीं, बस काम करने की इच्छा होनी चाहिए। रिटर्न बेस फाइनेंशियल रिटर्न्स, देखो फाइनेंशियल रिटर्न्स में क्या है, सिर्फ आपको फीस है सागरी का। फाइनेंशियल रिटर्न्स मतलब आपको प्रोफेशनल में, प्रोफेशन में आपको फीस मिलने वाली है। मॉनिटरी रिटर्न्स आर द सेम, फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी रिटर्न्स आर सेम। लाइक यहाँ पे जैसे मॉनिटरी रिटर्न्स है, अब फाइनेंशियल रिटर्न्स मतलब कैसा, वहां पे आप लोग क्या करने वाले हो, आपकी सर्विसेज देने वाले, आप सर्विसेज देने वाले हो, सर्विस रेंडर करने वाले हो, सो दैट यू विल गेट फीस, यू विल गेट फीस आफ्टर रेंडरिंग सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज। और एम्प्लॉयमेंट में भी आप लोग काम करने वाले हो दूसरों के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? सैलरी और वेजेस। अगर आप डेली वेजेस मतलब डेली बेसिस पे काम कर रहे हो तो आपके लिए वेजेस, मंथली बेसिस पे काम कर रहे हो तो आपके लिए सैलरी। ये मॉनिटरी रिटर्न्स है। क्वालिफिकेशन मतलब स्किल्ड जॉब के लिए आपके लिए जरूरी है कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना। लाइक जॉब ऑफ नर्स, नर्स का जॉब अगर होना है, अगर मतलब आप उसके लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, दैट टाइम यू विल हैव दैट कोर्स, आपके पास वो डिग्री, वो नॉलेज होना चाहिए, है ना। मॉनिटरी रिटर्न्स जैसे हमने फाइनेंशियल रिटर्न्स प्रोफेशन में देखा कि फीस है, यहाँ पे मॉनिटरी रिटर्न्स सैलरीज एंड वेजेस है। कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट में है तो हमें कैपिटल की, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बट एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है। बट एम्प्लॉयर के लिए वो क्या कंसिडरेशन हो जाएगा फिर? बिजनेस कंसिडर हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर के हिसाब से देखें, एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग सोचे तो वो उसके लिए बिजनेस हो गया, और हम लोग वहां जाने वाले हैं काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट हो गया। रजिस्ट्रेशन अगेन, जैसे प्रोफेशन में रजिस्ट्रेशन जरूरी था, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप ये पॉइंट था, एम्प्लॉयमेंट में वो कोई जरूरी नहीं, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बाय द एम्प्लॉयर, यू हैव टू फॉलो देम, ठीक है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अगेन एम्प्लॉयमेंट हम लोग कैन नॉट ट्रांसफर नहीं कर सकते। जस्ट किसी ने मुझे उस दिन पूछा था, शायद से अबोली ने मुझे पूछा था या श्रावणी ने, किसी ने तो भी पूछा था, सर अभी ट्रांसफर होता है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर क्लास 4 के जो जॉब्स होते हैं वो मतलब हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, बट डिपेंड, उसमें भी कंडीशनल है। नेचर ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट डिफर करेगा, यहाँ पे बस इतना है कि आपको जो भी काम बोला जाता है वो आपको करना पड़ेगा, नेचर ऑफ वर्क उसमें ऐसा है। अगेन फिर हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये पार्ट पे आ जाते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ था? दो टाइप्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। एट दी एंड, ये चैप्टर के एंड में मैं पूरा चार्ट आप लोगों से प्रिपेयर कराने वाला हूँ, पूरा चार्ट। लाइक जैसे फर्स्ट एक्टिविटी, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप्स के थे, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक उसमें तीन थे, फिर अगेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, दो टाइप के जितने भी चार्ट्स बनने वाले आप लोग मुझे चार्ट्स बना के देने वाले हो ये चैप्टर एंड होने के बाद, वो असाइनमेंट रहेगा आपके लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमिक, देखो यहाँ पे एज नेम सजेस्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक है मतलब मॉनिटरी, पैसे से रिलेट कर रहा है, मॉनिटरी मनी। अब उसमें फर्स्ट अर्निंग प्रॉफिट, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है मतलब हम लोग तो प्रॉफिट कमाने ही वाले, नो डाउट। न्यू कस्टमर सर्च करना, लेकिन लेकिन देखो ध्यान रखो, न्यू कस्टमर सर्च करना है बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट था कि ऑल्सो टू मेंटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ऐसा नहीं, इसमें हमने एक रामायण महाभारत वाला भी एग्जाम्पल लिया था, राइट? रामायण महाभारत वाला भी एग्जाम्पल लिया था हमने इसमें, कि जो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स होते हैं हमारे, है राम श्याम
लाइक ये जो हमारे न्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, इसके साथ हमें न्यू कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करना है, अटैच करवाना है हमारे बिजनेस के साथ. सो सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स मतलब हमारा ये एक मॉनिटरी बेनिफिट रहेगा हमारे लिए. अल्टीमेटली अगर कस्टमर्स बढ़ेंगे हमारे बिजनेस के, तो हमें अल्टीमेटली क्या होने वाला है, सेल हमारा बढ़ेगा, प्रॉफिट हमें मिलेगा. इनोवेशंस हम लोग एक तो देखो यहाँ पे इनोवेशन पॉइंट में दो बातें हैं, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, या फिर हम लोग इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस करते थे, कर रहे थे, या फिर अभी तक जो पुराने मशीनरी से हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस रन कर रहे थे, उसको नए मशीनरी से या फिर नए टेक्निक से हम लोग अगर करें, तो ये एक इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है, जिससे कि हमारी कॉस्टिंग कम हो. या फिर प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर दो, प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज करो, उसका शेप कलर जो भी कुछ होगा वो चेंज कर सकते हो, तो इनोवेशन आएगा मार्केट में, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड एक इनोवेशन रहेगा, है ना. तो अल्टीमेटली इससे बेनिफिट क्या होगा, हमें हमारा सेल बढ़ेगा, अट्रैक्ट होंगे नए कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट की तरफ, और अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट मिलेगा. एंड देन लास्ट, इकोनॉमिक्स में बहुत बार आएगा आपको ये कंसेप्ट, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, जिसे इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस बोला जाता है. आएगा आपको ये बहुत बार आएगा ये टॉपिक, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस मतलब हमने क्या करना है, जितने भी स्केयर्स रिसोर्सेस है हमारे पास, रिसोर्सेस जो है हमारे पास स्केयर्स कम है, लिमिटेड क्वांटिटी में, स्केयर्स मतलब लिमिटेड क्वांटिटी, ऐसा लिख लो भले, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास रिसोर्सेस है, इसका हमें बेस्ट यूज करना है. बेस्ट यूज करना है मतलब विदाउट वेस्टेजेस, इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस. यह क्या बोला देखो उन्होंने, यूज टू इट्स मैक्सिमम, अच्छे से अच्छा यूज करो मैक्सिमम, एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, उसका वेस्ट नहीं करना है हमें बिल्कुल भी. इससे क्या होगा, देखो वेस्ट नहीं होगा तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हुई अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा. क्लियर है यहां तक आपको, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स तक क्लियर किया, इवन हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स के भी कुछ पार्ट, कुछ कंटेंट, कुछ पॉइंट्स हमने स्टार्ट कर दिए थे, चलो वो भी एक बार कंप्लीट कर लेते. सोशल ऑब्जेक्टिव्स, अब बिजनेस के लिए सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना या फिर उसको इंक्रीज करना यही इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं, बस उसके साथ उसने क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी सर्विसेज देना, ये भी पॉइंट है. तो ये सारे जो पॉइंट्स ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते, मतलब बिजनेस ने सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, बिजनेस ने सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, बिकॉज गेट्स रिसोर्सेस फ्रॉम द सोसाइटी, इसलिए उसकी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न्स देना है. देखो देखो हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर इसको देखिए, तो देखो 2 मिनट के लिए, अगर बिजनेस है, बिजनेस है कोई, और बिजनेस को लगने वाला है कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, तो ये सब कुछ, इवन रॉ मटेरियल लगने वाला है आपको भी अगेन, तो ये सब कुछ कहां से मिलेगा, सोसाइटी से सब कुछ, इवन लैंड बिल्डिंग. हम लोग भी क्या नहीं समझा श्रीराम, क्या नहीं समझा बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सोसाइटी को रिटर्न में देना जरूरी है. तो सोसाइटी को रिटर्न्स में क्या देंगे और कैसे देंगे, तो फर्स्ट पॉइंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, या फिर अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री होगी तो आप सर्विस से क्वालिटी सर्विसेज दो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हर एक बिजनेस के लिए जरूरी है कि उसने सोसाइटी को, कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना है. क्वालिटी मतलब क्या, प्योर, सेफ, ड्यूरेबल एंड यूटिलिटी उसमें पूरी होनी चाहिए, यूटिलाइज, ठीक है. तो ये अगर ऐसे फीचर्स से प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा. एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स. क्या बेनिफिट होने वाला है, हमने ये भी डिस्कस किया, क्या बेनिफिट होगा क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने का, बताओ श्रीराम, क्या नहीं समझा बेटा वो मुझे बताओ.
बेनिफिट क्या होने वाला है क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने से, अपने बिजनेस का नाम, नेम, जिससे आप लोग इन फ्यूचर अकाउंट में पढ़ोगे, गुडविल, गुडविल बढ़ेगा अपने बिजनेस का, गुडविल बढ़ेगा ऑब्वियसली, कस्टमर्स नए नए बनेंगे, कस्टमर्स बनेंगे तो क्या। लेकिन फर्स्ट पॉइंट कौन सा बेटा, नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कौन सा, नहीं समझा मुझे बताओ तो सही। प्रॉफिट विल बी इंक्रीज, कस्टमर्स और आएंगे, देन देर विल बी इंक्रीज इन प्रॉफिट, वेरी गुड, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, राइट। फर्स्ट पॉइंट मतलब कौन सा, श्रीराम, राइट, इंक्रीज बढ़ेंगे, राइट राइट राइट। चलो सेकेंड पॉइंट था अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये भी शायद से हमारा हो गया था, राइट। अनुष्का कितनी बार समझोगे बेटा, उस दिन भी मैंने ये पॉइंट उसी दिन रिवाइज हो चुका था, स्टिल हमने आज जो नए जुड़े ना उनके लिए रिवीजन किया मैंने। चलो ठीक है, बोल देता हूँ ये पार्ट पहले होने दो मेरा, जो भी डाउट्स रहेंगे मैं आपको बोल देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, इनोवेशन एंड बेस्ट पॉसिबल, बोल देता हूँ, बोल देता हूँ अनुष्का। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, देखो मतलब सिंपल है, यहाँ पे देखो एक ही वर्ड है, अनफेयर, कुछ भी गलत नहीं करना है हमने। बिजनेस अगर हम लोग चला रहे हैं तो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है, सिर्फ हमारा हमारा ही प्रॉफिट बढ़े बाकी कुछ भी हो जाए ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अनफेयर जो प्रैक्टिसेस रहेगी बिजनेस में, जो भी एक्टिविटीज, अनफेयर नहीं करना है हमने, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमने बहुत एकदम से गलत एडवर्टाइजमेंट करे, एक्चुअल में प्रोडक्ट में उतनी क्वालिटी थी नहीं, यहाँ पे बिजनेस का उतना कुछ ये नहीं था, फिर भी हमने एडवर्टाइजमेंट में उतना डिस्प्ले कराया, प्रेजेंटेशन दिया, तो वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया। रॉन्ग मेजरमेंट, जैसे हमने इसके बारे में एक एग्जाम्पल लिया था, रॉन्ग मेजरमेंट के बारे में, जस्ट क्या लिया था हमने, कुरकुरे या फिर वेपर्स के पैकेट पे वो बताते कि 100 ग्राम से, 200 ग्राम से, लेकिन वो 50 ग्राम होता है, बाकी तो हवाई होती है उसके अंदर, है ना, ऐसा एग्जाम्पल था वो। चलो वो तो एक जोक का पार्ट, बट रॉन्ग मेजरमेंट, जैसे वेट, क्वांटिटी वेट दिया है वहां पे 1 kg, बट उसको अगर अगर उसको हम लोग काउंट आउट करें, अगर वो 900 ग्राम्स ही अगर होता है तो ये क्या हो गया, रॉन्ग मेजरमेंट हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सुनो मेरे को एक बात बताओ, रॉन्ग मेजरमेंट का बिजनेस को क्या बेनिफिट हो सकता है, समझो किसी ने चेक ही नहीं किया उसको कभी, और रॉन्ग मेजरमेंट चलते रहे तो क्या होगा इससे। रॉन्ग मेजरमेंट से क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा बिजनेस को, कैसे बेनिफिट होने वाला है, बेसिकली उसको तो अवॉइड करना है, ऐसा उन्होंने बोला है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स तो ये है कि उसको अवॉइड करो, ये करना ही नहीं हमें, रॉन्ग मेजरमेंट की तरफ जाने नहीं, बट उसका बेनिफिट क्या होगा बिजनेस को। ओम, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म बेटा कि ऐसे कमेंट्स आप लोग दो, ठीक है बेटा। यस, क्वांटिटी कम लग जाएगी और पैसे तो उतने ही रहने वाले, ऑब्वियसली उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, प्रॉफिट में होने वाला है, राइट। तो ये करना नहीं है, ऐसे प्रैक्टिसेस नहीं करना है हमें, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ, सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट, क्योंकि एक बार गुडविल खराब हो गई तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हम लोग मार्केट में, और फिर ऑब्वियसली ग्रोथ भी नहीं होगी। अगर हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट और विदाउट प्रैक्टिसिंग अनफेयरनेस इन आर बिजनेस, तो हमारा गुडविल और ग्रोथ दोनों भी रहेगा। ये पॉइंट भी हमारा चल रहा था, शायद से यहां से हमारे स्टार्ट करना है आज का पॉइंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखो बिजनेस है, जैसे मैंने पहले भी पॉइंट में आपको बताया कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना ठीक है, तो आपने एम्प्लॉयमेंट भी देना चाहिए सोसाइटी को, आपने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने चाहिए सोसाइटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, मैंने ये दो वर्ड्स पे भी आपको डिस्कशन मतलब हमने किया था लेक्चर में, सोशियो इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक इन द सेंस वो प्रॉफिट कमा रहा है और सोसाइटी में है, इसलिए वो सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है। बिजनेस शुड क्रिएट जॉब्स फॉर स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर्स पीपल, दोनों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज देना जरूरी है, स्किल्ड के लिए भी दो और अनस्किल्ड के लिए भी दो। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे, स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल के लिए एक ही बिजनेस में जॉब है, ऐसा कोई एग्जाम्पल दो मुझे। चलो एक ऐसा कोई बिजनेस बताओ, ऐसा कोई भी एक बिजनेस बताओ कि जहां पे स्किल्ड पीपल भी है
स्किल्ड एम्प्लॉयर पीपल या और अनस्किल्ड भी है, दोनों भी है। चलो बताओ मुझे एक, हाथ कोई एग्जांपल बताओ। बताओ ऐसा कोई बिजनेस, स्टील बिजनेस, ओके, और कोई कंस्ट्रक्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे ऐसे बिजनेस जहां पे स्किल्ड, जैसे वो इंजीनियर रहेगा वो स्किल्ड है, और जो काम करने वाले रहेंगे वो अनस्किल्ड है, जो सिर्फ ईंटे लेके जाना या फिर पत्थर होते हैं या फिर रेत होती है वो सिर्फ लेके जाना, तो ये अनस्किल्ड जॉब। वेरी गुड। चलो तो बिजनेस ने, जो भी बिजनेस है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए, जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए फॉर स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड दोनों के लिए, एंड ऑल्सो टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्सन। दिव्यांग के बारे में हमने डिस्कस किया था, हैंडीकैप्ड, अब तो मतलब उसमें भी रिजर्व्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो दिव्यांग है हैंडीकैप्ड है, लेकिन उसमें अगर स्किल्स है तो बिल्कुल देना ही चाहिए, है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के लिए। इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को अगर हम लोग जॉब देते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को अगर हम लोग जॉब देते हैं तो उनकी भी, उनके लिए भी मॉनिटरी इनकम बन जाएगा, वो भी आगे आ सकते हैं, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट किसे मिलने वाला है, इकोनॉमी को। आपको इकोनॉमिक्स में ये ज्यादा सीखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट, अब यहां से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट, ये दो तीन पॉइंट्स जो है वो वेलफेयर ऑफ, हम लोगों ने यहां तक एक्चुअल में देख लिया था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तक, है ना, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एग्रीड, हर एक जन, हर एक कोई भी सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स है, पार्ट है वो, हर कोई स्किल्ड नहीं रह सकता, हर कोई अनस्किल्ड नहीं रहता, दोनों भी पार्ट हो सकते, स्किल्ड या अनस्किल्ड। सो इफ एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, एम्प्लॉयज ध्यान दो, एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, इट ब्रिंग्स वेलफेयर टू द सोसाइटी। दिस कैन बी अचीव बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशंस, इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज एंड ऑफरिंग इंसेंटिव्स। देखो कितने मस्त पॉइंट्स दिए उन्होंने। फर्स्ट पॉइंट है, समझो, फर्स्ट पॉइंट है फेयर रेम्यूनरेशन, इम्पार्शियल पॉलिसीज, भेदभाव बोलते हैं ना हम लोग, वो नहीं करना है बिल्कुल भी, सबको सेम रखो। अगेन गुड वर्किंग कंडीशंस, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करो, एंड इंसेंटिव्स भी दो। इंसेंटिव्स मतलब कैसे, देखो अगर एक्स्ट्रा वर्क किया तो ओवर टाइम दो, या फिर दिवाली में बोनस विनस मिलता है ना, है ना, पता है आप लोगों को, बोनस पे तो हम लोग बस ध्यान ही होता है हमारा पूरा, तो बोनस मिलता है दिवाली के टाइम पे, तो वो इंसेंटिव्स वगैरह देते। चलो इंसेंटिव्स मतलब एक्स्ट्रा, मोर देन सैलरी, या ये मोर देन सैलरी होता है, अगर आपका काम अच्छा रहा, अगर आपका वर्किंग अच्छा है, आपकी वजह से कंपनी को अगर बेनिफिट हुआ तो वो बेनिफिट को आप थोड़ा सा एम्प्लॉयज में भी बांटो, इससे एम्प्लॉयज को भी एक इंस्पिरेशन मिलता है। अगर ये पॉलिसीज से चलता है कोई भी बिजनेस तो इट क्रिएट, इट इम्पैक्ट ऑन द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज का वेलफेयर है मतलब अल्टीमेटली सोसाइटी का वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। क्लियर है ये पॉइंट सबको? इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लोगों के जो भी वर्कर्स है, दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वही काम कर रहे हैं बिजनेस के लिए आपके, और बिजनेस के लिए वो काम कर रहे हैं मतलब आपने उनके लिए फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन, फेयर जितना काम किया जो बोला था वो, और रेगुलरली देते चलो रेम्यूनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशंस, इम्पार्शियल मतलब भेदभाव वाला कोई पॉलिसी आप लोगों ने नहीं रखना है, ऑफरिंग इंसेंटिव। और देखो आप लोग इन फ्यूचर बनने वाले हो, प्रोफेशनल भी बनने वाले हो, जो भी सीए बनने वाला, आपके आर्टिकल से रहेंगे या जो भी रहेंगे, आप इनके सबके साथ ऐसा ही बिहेव करोगे, अदरवाइज फिर क्या पढ़ा आप लोगों ने, है ना, ऐसा ही हो जाएगा वो तो। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, जो भी सोसाइटी में, सोसाइटी से रिलेटेड या फिर सोसाइटी के ग्रोथ से रिलेटेड अगर कोई हर्डलर्स है तो उससे रिलेटेड आप लोगों ने हेल्प करना चाहिए। जैसे
ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड मतलब फास्ट, बहुत फास्ट एंड वास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बहुत फटाफट से इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, मेनी सोशल प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैफिक जाम्स, औरंगाबाद में होता है जब शाम के 7 बजे मोस्ट ऑफ द लेवल पे, क्योंकि सारे फैक्ट्रीज वगैरह छूट जाते हैं, बिजनेसेस वगैरह बंद हो जाते हैं, तो ना सब लोग एकदम से बाहर निकलते हैं, तो ट्रैफिक जाम हो सकता है। ग्रोथ ऑफ स्लम्स, स्लम एरियाज वगैरह डेवलप अगर होते हैं, या फिर एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है मतलब एयर एंड वाटर पोल्यूशन होने वाला है। तो बिजनेस ने क्या करना चाहिए, बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम, शुड ट्राई टू रिड्यूस देम, बिजनेस ने इनको कम से कम रखना चाहिए। ट्राई करो कि अपने बिजनेस के वजह से एयर या वाटर पोल्यूशन या फिर जो भी कुछ समस्याएं सोसाइटी के लिए क्रिएट हो सकती है वो नहीं करनी चाहिए। लाइक जैसे गणपति बिठाया, उसका भंडारा आप मेन रोड पे दे रहे हो, गणपति बिठाया और उसका भंडारा जो है वो मेन रोड पे दे रहे हो, और आप भी मस्त बैठ के मेन रोड पे खा रहे हो, तो और वहां पे ट्रैफिक जाम हो गया, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं करना चाहिए आप लोगों ने। भले फिर भंडारा चालू है ना, वो थाली लेके घर पे चले जाओ, घर पे मस्त खाते बैठो अपने अपने, लेकिन रोड पे बिल्कुल भी नहीं खाना है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ऑब्वियसली देखो हम लोग क्या देखो, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज ये पार्ट देख लिया, सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं सोशल प्रॉब्लम्स हम लोग वो सॉल्व करेंगे, एंड देन हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट भी करेंगे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, अच्छे भले के लिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट हमें करना है तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम लोग, हमने देखो यहाँ पे डोनेशंस फॉर गुड कॉज, ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन, और क्या कर सकते हैं हम लोग सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए, ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, जैसे अभी क्या हुआ, क्या बोलते हैं हम लोग, अभी कोरोना विरोना चल रहा है उससे रिलेटेड मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर बारिश के सीजन से पहले हम लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं जिससे कि सोसाइटी का वेलफेयर है, सोसाइटी का ही बना हुआ है ना, गार्डन डेवलप करना, तो ये सारी चीजें जो है ये वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है, जिसमें सोसाइटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए, और ये हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम लोग सोसाइटी से कुछ ना कुछ लेते हैं, कैपिटल, रॉ मटेरियल, अगेन ह्यूमन रिसोर्स हमें सोसाइटी से मिलता है, तो हम लोग सोसाइटी को हमने कुछ ना कुछ रिटर्न्स में देना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो डोनेशंस फॉर गुड कॉज, बेटा वो फूड कॉज नहीं है, वो गुड कॉज है, बस यही पे ध्यान दो अपन लोग, फूड कॉज, फूड नहीं है वो गुड कॉज है, ये भी ठीक है। एनजी, एनजीओ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट। ये भी तो सही है, ये भी तो सही है, अवेयरनेस स्प्रेड करना, राइट। एम्प्लॉयमेंट तो हो गया ना तृप्ति, एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट हो गया। चलो आप लोग को सबको ये इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स वाला पॉइंट क्लियर है सबको। अभी किसी ने मुझे डाउट पूछा था, अनुष्का ने कुछ, तो भी इनोवेशन, इनोवेशन मतलब देखो क्या करना है हमें, प्रोडक्ट जो होता है बिजनेस, हम लोग अगर प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हम लोग अगर प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, तो उसके डिजाइन्स चेंज करो, उसके कलर्स चेंज करो, या फिर उसमें कुछ इनोवेशंस लाइक ऑफ टेस्ट चेंज करना है, उसके फीचर्स को चेंज करना है इंटरनल, ये जो भी हम लोग प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकते हैं, या फिर उनका एक बोलना ये भी है कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज करो, जो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग प्रोसेस प्रोडक्शन करते थे, अब उसे थोड़ा सा अपडेट टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ते हुए हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो ये इनोवेशन पॉइंट हो गया। एंड आपका ये भी बोलना था कि बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी रिसोर्सेस है वो थोड़े से लिमिटेड क्वांटिटी में है, स्केयर्स रिसोर्सेस है जो भी, तो उसका हमने यूज अच्छे से करना चाहिए, उसमें वेस्टेजेस नहीं होना चाहिए। तो ऑप्टिमम यूज या फिर बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस में आपको ये ध्यान रखना है, शुड नॉट बी वेस्टेड वाला वर्ड, ठीक है बेटा। यस यस यस, दिस इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रौनक, दिस नोन एज CSR पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, ठीक है। चलो आप लोग को सबको ये क्लियर है क्या अभी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फिर कल के सेशन में हम लोग रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस ये कंटिन्यू करेंगे, हमारा पार्ट नेक्स्ट पार्ट रोल ऑफ,
तक जो भी आज तक का हुआ है उसे आप लोग एक बार पढ़ लोगे, अपने टेक्स्ट बुक परचेस कर लिया होगा, अदरवाइज जिन्होंने नहीं किया उनके पास सॉफ्ट कॉपीज है वो आप लोग पढ़ लो। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो न्यू स्टूडेंट्स आज है जिनको जो भी डाउट्स रहेगा इससे रिलेटेड, जो भी प्रीवियस पार्ट हमारा जो भी हुआ है इसमें जो भी डाउट होंगे आपको, आप मुझे वो ग्रुप पे भी अगर आपने पोस्ट कर दिया तो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस से कंटिन्यू करेंगे टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।